बराई पिया, गए तू बराई पिया, अरे नैहर में करेबे हम ओझाई पिया, गए दू बराई पिया ना, तू तो रोजे निहारे मोर मोटाई पिया, गए दू बराई पिया ना। तो गुरु भैया आपके जीजा जी आज के 10 महीने पहले बोलते थे कि तुम खा के बहुत मोटे हो रहे हो, तो मैं बता रही हूँ 10 महीने के अंदर 12 किलो मेरा वजन कम हो गया है। अब जवाब में क्या कुछ कहेंगे गोरख जी, देखिए आपको कहीं ना कहीं लपेट रहे हैं प्रांजल जी। देखिए मैं आपको बता दूं, जब मैं किसी के भी साथ मुकाबला करता हूं तो सामने वाली दिमाग ये चलता है मैं कौन सा पैतरा मारूं कि गोरख चित हो जाए। बट मेरे साथ ये भगवान स्वरूप श्रोता भाई बहनों का आशीर्वाद है जो एनी टाइम दिमाग में मेरे गीत लिख लिख के डालते हैं, और ये लाइन इनका इनका पूरा ध्यान इनके पति के ऊपर है, और हर महिला का ध्यान हर महिला अपने परानी के बीच। ऐसन दुल्हिन ऐसन दुल्हिन के बस नया नया नजराना चाहत दूंगा, इसके बाद कजरी दूंगा कि ऐसन दुल्हिन के बस नया नया नजराना चाहत बाय, और फैशन चलत बा इनके किचन इनके किचन के ही बगले में पैखाना चाहत बाय, ऐसन दुल्हिन के बस नया नया नजराना चाहत बा, और का इनके हर संडे के इनके हर संडे के हर होटल वाला अरे खाना चाहत बा, ऐसन दुल्हिन के बस नया नया नजराना चाहत बा। अब कजरी की लाइन कहा बा क्या है, ए रजहू चमके वाली टिकुलिया, ए रजहू चमके वाली टिकुलिया अंबेडकर नगर से लई है ना, ए रजहू ये सोना चमके वाली टिकुलिया अंबेडकर नगर से लई है ना, नगर से आए होए रे गजावा, आए होए रे गजावा, आए होए रे गजावा, आए होए रे गजावा, यही के चलते रजऊ भइले नसीब बजावा, आए होए रे गजावा, आए होए रे गजावा, आए होए रे गजावा, आए होए रे गजावा। क्या बात है, क्या प्रांजल जी आप इनको ठुमके से हरा सकते हैं क्या? बिल्कुल गाजे के लिए कहना ठुमके के साथ होना चाहिए, हम ठुमका नहीं लगाएंगे भैया जी को ठुमका लगाएंगे तब तो 20 पड़ जाएंगे ठुमके के माध्यम से। नाचे गावे तोड़े तान उही के जनता रखे मान, वाह क्या बात है। तो देखिए और ठुमका से 20 पड़ जाएंगे प्रांजल जी, सुना चाहिए कुछ अनोखे अंदाज में गीत के माध्यम से, ताकि शब्द भी नहीं कटेगा, शब्द भी एकदम सटीक जाएगा। वाह क्या बात है, होना चाहिए प्रांजल जी भाई, बोले ना जो भी गाजा दारू के लिए बोले, हाँ होना चाहिए ठुमके के साथ, क्योंकि वो 20 पड़ जाएंगे फिर गोरख जी। अरे शराबी बाल मारतिया जू मत किया में, शराबी बाल मारतिया जू मत किया में, शराबी बाल मारतिया जू मत किया में। तो भैया जी गाजा के लिए सुनाई थी, मैं दारू के लिए सुना रही हूँ। अरे सबके बलम में लावे, सबके बलम में लावे पेड़ा मिठैया, सबके बलम में लावे पेड़ा मिठैया, जेकर करतब ठीक रहा लो वही खा ले पेड़ा मिठाई। बिल्कुल सुना हमारे बाल माँ बंदा बोतल लिया में, हमारे बाल माँ बंदा बोतल लिया में, शराबी बाल मारतिया जो मत किया में। क्या बात है, कहीं ना कहीं आप ठुमके न लगाने की तरह 18 पढ़ रहे हैं, देखते हैं गोरख जी जवाब क्या देंगे आप। मैं चैनल पे और कजरी चल रहा हलवा, और लोकगीत और कजरी दोनों सटा के हम गावत है, हाँ, के चाहिए। और अब ऐसा चीज गाइड जोने के ई जवाब दे ही ना पाए, मेरी लाइनें क्या है पूरा ककहरा से है, और पूरा ककहरा और पूरा शब्द में क चाहिए मुझे जी। अरे के दकी कमंद कुंद केवड़ कछ नारकली, अरे के दकी कमंद कुंद केवड़ कछ नारकली, अरे क्यारी क्यारी कनई कमल कहीं कह के ख गायब गए, अरे गेंदा गुलाब गर्ग गमलो में गूंथ गूंथ, हर गुलची गुल मेहंदी सुगंध गाय गम के गाना गायब चे, अरे चंपा चमेली चहु चांदनी विचित्र रची
चंचला चटकील चहु चांद चमके छ गायब जय कि जारे जारे जाती है सूरमुखी हर ज्योति ज्योति जल में सरोज जम जम के। यही मुझे इसी का पूरा जवाब चाहिए और पूरा क में कवे रह चाहिए, ग में गवे रह चाहिए और च में चवे रह चाहिए। कोई भी कलाकार जवाब नहीं मांगता गोरख जी, जो भी जवाब देंगे वो निर्णय दर्शक करेंगे किसके फेवर में जा रहा है गोरख जी। मुकाबला में गीत बराबरी होना चाहिए, इसका आप डिसाइड नहीं करेंगे मैं जीत रहा हूँ मैं हार रहा, जितने भी दर्शक है वो डिसाइड करेंगे कौन जीता कौन हारा। ठीक है गोरख जी, मैं सभी दर्शक भगवान से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं ककहरा से पूरा गीत गाया हूँ और प्रांजल जी से निवेदन है कि पूरा इसी तरीके से मुझे गीत चाहिए। हाँ, ये कह सकते हैं। तो प्रांजल जी कुछ होना चाहिए अनोखे अंदाज में। तो भैया जी का गा 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 भैया जी कह रहे हैं तो का गा 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 तो हम कखा गा गा की कहानी सुना रहे हैं। हाँ, नहीं 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 तब क्या बताएं, आपके पूरे लाइन में क होना चाहिए, जब आप ग चालू करेंगे पूरे लाइन में ग होना चाहिए, जैसे के दकी कमंद कुंद के बड़ा कचनार गली क्यारी क्यारी कनई कमल कहीं करके। क्या कुछ कहेंगी प्रांजल जी, क्योंकि गोरख जी तो हमें लग रहा है दर्शक जो कमेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी पढ़ रहे हैं आपके ऊपर और ठुमका लगा दे रहे थे किस पर जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगी उनके जवाब में आप? तो भैया जी मैं यही कहना चाहती हूँ कि भैया जी तो ठुमका स्टेज प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है लेकिन हम नहीं भैया। आपका भी तो वीडियो मेरे साथ वायरल हुआ है ठुमका वाला, क्या वीडियो खुल रहा है प्रांजल, अभी भी तमाम यूट्यूब पे अपना दीदी की ननद की शादी में आपने नाचा था, समय था भैया हम भूल गए कि यूट्यूब पे सब लोग वीडियो बनाओ। क्या बात है, बिल्कुल भैया जी हम भूल गए थे। तो यहाँ जान के अब लगा दिए ठुमका, अब हनुमान जी को अपना जो है कि ताकत पता चल गया है तब होना चाहिए। हनुमान जी से तो कम ताकत हमें भी नहीं है भैया। हाँ तो फिर होना चाहिए, क्या बताए ठुमका नहीं लगाना चाहते हैं क्यों। थैंक यू भैया जी, जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं आप लोग भैया के चैनल को सपोर्ट करिए और आज हमारे जौनपुर जिले के महान कलाकार गोरख भैया से मिलके बहुत अच्छा लगा और आज हमारी तीसरी मुलाकात है। भैया जी आपको कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा बट मुकाबला तो एकदम जम के की हैं। बिल्कुल, और आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करके देखिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि मुकाबला कौन जीता। वैसे भी मैं आप सबका छोटा भाई हूँ और अभी मैं सीख रहा हूँ, ज़्यादा मेरे प्यारे से